नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं राजन चौधरी राजपुरा आप लोगों के लिए फिर से थोड़ी सी मोटिवेशनल लाइंस लेकर के आया हूँ। आज मैं आपसे पारिवारिक झगड़ों की बात करूंगा। पारिवारिक झगड़ों का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? परिवार में लड़ाई और झगड़े के होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे संस्कारों का खत्म होना। जैसे जैसे सोसाइटी में टेक्नोलॉजी और पैसा बढ़ता जा रहा है, उसी स्पीड से लोगों में संस्कार की भावना कम होती जा रही है। पुराने समय में लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करते थे। बेटे के मन में फादर के लिए बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। भगवान राम के पिता के एक बारी कहने पे वो वनवास चले गए थे। आपस में भाई भाई एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन आज संस्कार और प्यार की भावना लोगों में खत्म हो चुकी है। जरा आंखें बंद करके अपने माता पिता के बारे में सोचो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए हर दुख को सहा है, हर परेशानी को हंस के सहा है। आपके लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी करने के लिए इन्होंने अपना समय, अपना पैसा, अपनी हेल्थ, हर चीज को कुर्बान किया है ताकि आप लोग खुशी से रह सके। लेकिन जब कोई बेटा अपने पेरेंट्स को वृद्ध आश्रम में छोड़ देता है या उनसे अलग हो जाता है, तो उन बेटों को जरा भी दुख नहीं होता, अपने पेरेंट्स से लगाव नहीं होता, क्योंकि वो पेरेंट्स के सभी स्ट्रगल्स को भूल जाते हैं। अब अपने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं। जब एक भाई दूसरे भाई से अलग होता है ना, तो उसे दुख नहीं होता। ये वाकई बड़े दुख की बात है कि हम अपने सगे संबंधियों से इतनी आसानी से बिछड़ जाते हैं, हम खून के रिश्तों को इतनी आसानी से तोड़ देते हैं और हमें जरा भी दुख नहीं होता। हम अपने माता पिता को रुला देते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं। भरत के मन में अपने बड़े भाई श्री राम के लिए इतना सम्मान और प्यार था कि वो खुद राजगद्दी पे नहीं बैठे और भगवान राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पे रखा, क्योंकि वो राज्य श्री राम का दिया जाना था। जिस दिन आपको अपने भाई और बहनों से बिछड़ने में दुख होने लगेगा, छोटे भाई को दुख होने पर बड़े भाई को उसका दुख महसूस होने लगेगा, उस दिन आप सभी आपस में भाईचारे से सुखी रह सकोगे। लोगों के एक दूसरे से मानसिक दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक ही घर में रहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। लोग एक दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको पता है जानवर इंसानों में क्या फर्क होता है? जानवरों में संस्कार नहीं होते, वो केवल खाने पे ध्यान देते हैं, और हम इंसानों में संस्कार होते हैं, हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, हम सोच पाते हैं, हम अच्छाई और बुराई में फर्क करना जानते हैं। अगर आपका सगा भाई परेशानी में है तो आपको भी परेशानी महसूस होनी चाहिए। अगर आपको महसूस हो रही है तो वो प्यार है, ये आपके संस्कार है। और अगर आपका भाई परेशान है और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, आप खुश हैं, तो इट मींस कि आपके संस्कार मर चुके हैं, आपकी भावनाएं मर चुकी हैं। जिस दिन आप अपने माँ बाप से तेज चिल्ला के बात करोगे या जिस दिन आप अपनी माँ बाप से लड़ना शुरू कर दोगे, सोच लेना उस दिन से आपके संस्कार मर चुके हैं। अगर आपके अंदर संस्कार होते तो आप अपने मुंह से उन लोगों के लिए एक शब्द नहीं निकाल पाते जिन्होंने अपने आपके लिए लाइफ में अपनी लाइफ में ना जाने कितनी कठिनाइयां सही हैं। आपकी अच्छाई के लिए, आपको सुखी रखने के लिए ना जाने आपनी अपनी कितनी सारी जरूरतों को कुर्बान किया है। मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को पैसा दें या ना दें, उनको कार दें या ना दें, लेकिन उनको संस्कार जरूर दें। आपके बच्चे को कार से ज्यादा संस्कार की जरूरत है। बच्चों को संस्कार दो और उनको बताओ कि भाई और बहन या भाई भाई आपस में रहने से कितनी चीजें इजी हो जाती हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, उनको फैमिली का मतलब बताओ कि फैमिली का हर मेंबर कितना इंपॉर्टेंट है। आपस में प्यार करना सीखो। एक अच्छी सोसाइटी की शुरुआत होती है एक आदर्श परिवार से। आइए एक अच्छी सोसाइटी की स्थापना में अपना योगदान डालें। दोस्तों, अच्छी लगे लाइंस तो जरूर शेयर करिएगा और मेरे YouTube चैनल राजन चौधरी राजपुरा के नाम पे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।